नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। भारतीय तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर का 12 अगस्त से लॉर्ड्स में शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट में खेलना मुश्किल है। ठाकुर को दूसरे टेस्ट की तैयारियों के दौरान अभ्यास करते समय हैमस्ट्रिंग में कुछ परेशानी हुई। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट शुरू होने में अब बस एक दिन का समय बचा है। गुरुवार से शुरू हो रहे इस टेस्ट को जीतकर दोनों ही टीमें टेस्ट सीरीज में बढ़त लेना चाहेंगी। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से ड्रॉ पर खत्म हुआ था। सीरीज का दूसरा मैच शुरू होने से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि टीम के स्टार ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में वे दूसरे टेस्ट से बाहर भी हो सकते हैं। शार्दुल ठाकुर की प्रगति पर ध्यान दिया जा रहा है और उनके खेलने पर अंतिम फैसला मैच से पहले लिया जाएगा। आपको बता दें, इनसाइड स्पोर्ट्स के मुताबिक शार्दुल ठाकुर अगर इस मैच में नहीं खेल पाते हैं तो उनकी जगह तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को मौका मिल सकता है। कप्तान विराट कोहली पहले ही बता चुके हैं कि भारत इस पूरी सीरीज में 4+1 संयोजन यानी 4 तेज गेंदबाज और 1 स्पिनर के साथ उतरेगा। शार्दुल ठाकुर ने इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ हुए पहले टेस्ट में अच्छी गेंदबाजी की थी। उन्होंने दोनों पारियों में मिलाकर 4 विकेट झटके थे। हालांकि शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए थे और जेम्स एंडरसन की गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। आपको बता दें, भारत के अलावा इंग्लैंड टीम भी चोट की समस्या से गुजर रही है। बता दें, ECB और BCCI दोनों ने आधिकारिक रूप से घोषणा या चोटिल खिलाड़ियों के उपलब्ध रहने के बारे में कोई अपडेट अभी तक नहीं दिया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।